वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूँ रिया शर्मा. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज शर्मा ब्लॉग में. तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. तो मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के मर्ल गांव में हूँ, जहाँ पर कि अभी अभी पता चला है कि चाल खाल के दौरान वहाँ पर एक गणेश भगवान जी की मूर्ति मिली है, जिससे लोगों में श्रद्धा भक्ति, भगवान में अटूट विश्वास और एक उत्साह का माहौल बना हुआ है. तो आइए मैं आपको वहाँ पे विजिट कराती हूँ और दिखाती हूँ और वहाँ पर बड़े बुजुर्गों की क्या राय है, उनका क्या मानना है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में भी आइए हम लोग जान लेते हैं. तो बनी रहिए मेरे ब्लॉग. ये रोड कुंडिल से लेके संगला कोटी और रीठा काल तक जा रही है. ये जगह कोलड़ा पाखा और धुनाओं के नाम से जानी जाती है, जो कि मर्ल और खेड़ गाँव के बीच में है. पहाड़ों में जब दो पहाड़ एक साथ मिलते हैं और उनके जो बीच की जगह होती है, अक्सर वहाँ से पानी बहकर आता है और तो उसे गढ़वाली में रौल कहते हैं. ये रौल महादेव रौल के नाम से जाना जाता है. यहीं पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मनरेगा का काम चल रहा था, जिसमें कि इसी पत्थर के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति निकली है, जो कि 6 फीट नीचे गहराई में मिली और एक ग्रामीण लेडी को सबसे पहले पाई गई. और साथ में कैनवास भी मिला. कैनवास का मतलब है कण कण में जिसका वास, अर्थात भगवान. तो पुराने समय में पत्थर और मिट्टी की ही मूर्तियां पाई जाती थी. यहाँ गाय बकरी चराने आते थे. हाँ जी. यहाँ एक मंदिर था, उसका सारा दीवार थी. हाँ जी. इस नाम से महादेव कहते थे हमारे माने महादेव. मगर मंदिर उन्दिर हमने नहीं देखा था. आज इसी महादेव के नाम से जो भी मंदिर स्थापना होगी, सबकी सहयोग से, सबकी इच्छा से, सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे तो एक भविष्य में एक मंदिर बनाया जा सकता है. बनाना भी हमारी इच्छा है कि जो भी हम लोग बनाएंगे, दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, हम जरूर देंगे. तो आपका नाम? मदन सिंह रावत, खेड़ गाँव का ग्राम अध्यक्ष, ग्राम खेड़ गाँव. मैं खेड़ का काम करवाता हूँ. तो जब यहाँ पे रोड आई थी और आम का पेड़ था बहुत बड़ा, तो बुलडोजर वाले ने वो आम का पेड़ गिराया है. उसमें दो सांप, नाग और नागिन निकली. कहाँ पर था? यहाँ इस वाली जगह पे. अच्छा, इस वाली जगह पे आम का पेड़ था और वहाँ पे नाग और नागिन मिले दोनों. बुलडोजर ने काम बंद किया. अच्छा. बुलडोजर हटा पीछे, तब वो दोनों जोड़ा निकले, तब जाके काम शुरू हुआ. कहानी भी यहाँ पर शिवलिंग था. हाँ जी. शिव जी का मंदिर था यहाँ पे, माधव के नाम से पुकारते हैं. अच्छा, लेकिन आप लोगों ने देखा था कभी मंदिर? नहीं नहीं, उसमें तो छोटे छोटे चौंतरा. अच्छा अच्छा. चौंतरा और संगार थे उसके दरवाजे के. हाँ जी. बाकी सारा टूट गया था. अच्छा, मतलब कोई पौराणिक मंदिर पहले से रहा होगा. तो मतलब आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? उसका नदी हमको उसी दिन पता चला जब नाग निकले थे यहाँ पे. ओके. तो उस दिन से अभी मूर्ति भी निकल गई है. पहले पूर्वजों से ही ये महादेव करौला नाम से जो ये जगह प्रचलित है, यहाँ पे शुरू में मतलब कुछ पानी भी था. यहाँ पे मंदिर की स्थापना भी थी. हमारे कोई वंशज यहाँ पे थे, जो मतलब यह है कि उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की थी. नाम जिनका नरोत्तम प्रसाद मुंडेपी था. हाँ जी. उनके द्वारा मतलब यह कि यहाँ पे कुछ मंदिर की भी स्थापना हुई.
आम वगैरह के वृक्ष भी लगाए गए थे। जब ये हमारे गांव के मतलब यही चाल खाल का निर्माण हो रहा था, गांव की महिलाएं थी और गांव के दो तीन मतलब जेंट्स भी थे, तो जब खोते खोते यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति निकल गई है, तो कुछ इसमें ये है कि हो सकता है, हम ये कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, उसी की वो है कि या तो ये मंदिर का कोई अवशेष रहा होगा, जब ये मंदिर का वो था, यहाँ पे मंदिर था उसका अवशेष भी हम मान सकते हैं, या मतलब ये है कि क्या पता, कुछ मतलब हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन इतना जरूर था, डेफिनेट था कि यहाँ पे कोई मतलब ये है कि ये एक मंदिर था। हाँ। जो उसके गवाह जो है ये आम के पेड़ है, वो पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ तो अभी हाल में है। हाँ। ये तो अभी बाद की बात में है, इसको मतलब स्वर्गीय किदारी देवी ने मतलब है कि इसको लगाया था, बल्कि कल मतलब इस पेड़ की भी पूजा हो रखी है, पीपल का पेड़ है। हाँ जी। ये हमारी एक बुआ जी थी। हाँ। वो बिल्कुल उसकी 9 साल में शादी हुई थी, 11 वर्ष में विधवा हो गई थी और 13 वर्ष में अपने मायके में आके मतलब है कि उसने अपना दिन मतलब टाइम पास किया था। अच्छा। तो उनके द्वारा ये मतलब है कि ये पेड़ लगाया गया था। हाँ जी। इसमें अब तो तब से मतलब है कि बहुत मतलब कई वर्ष बीत चुके हैं, 100-150 मतलब 101 साल के करीबन हो गया होंगे। हाँ जी। जितने मतलब एक साल बाद यहाँ पे जो है गणेश भगवान की मूर्ति जो निकली है। हाँ। अब क्या पता है क्या करिश्मा है क्या नहीं, इसको तो मतलब ये है कि ये ऊपर वाला ही जान सकता है, इसमें हम कुछ मतलब ये है कि नहीं कह सकते। पर इतना जरूर है कि यहाँ पे कुछ था, मतलब यहाँ पे कुछ था। तो आप बताएंगे मुझे कि आप जैसे बता रहे हैं कि कुछ अवशेष अभी भी हैं, तो क्या आप दिखाएंगे मुझे कि कौन सी जगह पे हैं? ये अवशेष तो यहाँ पे है, मैं आपको मतलब वहाँ पे ले चलूंगा कि यहाँ पे जो ये आम के पेड़ है यहीं पे वो था और यहाँ पे मतलब ये वो था। अगर आपने चलना है तो मैं आम के पेड़ों की जो जगह, ये रोड की वजह से एक पेड़ मतलब ये है कि जब मतलब तोड़ दिया गया था, तो मैं ऊपर से आया था। हाँ। उस समय हमको मतलब ये कि यहाँ पे जेसीबी खड़ी थी। हाँ। तो ये बहुत बड़ा नाग यहाँ पे मिला था। हाँ जी। और किसी ने डबल खुदाई हो रखी है। हाँ, ये हाँ। यहाँ से पेड़ गिरा हुआ था, वो नीचे है। हाँ जी। तो इसमें जब ये है कि मैंने देखा, मैं ऊपर से आया, मैंने कहा यार ये पेड़ तो इन्होंने हमारी एक धरोहर थी। हाँ जी। और ये पूर्वजों के हमारे मतलब ये वो था, ये पेड़ क्यों काटा इन्होंने। हाँ जी। तो फिर तब जब वो भी अपना मतलब ये की मुआफी करने लगे, चलो यहाँ से हो गया, ये कट गया, तो आप इसको पूरा ही निकाल दे, एक पेड़ यहाँ से आम का पेड़ कट चुका है, ये दो उसके गवाह है। अच्छा। पीपल के पेड़ भी उसका इस चीज का गवाह। अच्छा। तो पेड़ दिखा सकते हैं यहीं पे? अच्छा। अगर यहाँ पे जहाँ पे जो चीज चलने उसमें झाड़ी वगैरह हो गया है तो उसका भी अगर मतलब ये है कि वो दिखाना है तो हम आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ले चलेंगे उधर ही और दिखाएंगे सबको। और भविष्य में कुछ सोचा है कि यहाँ पे मंदिर बनाए? हम सब प्रत्येक आदमी का सहयोग ले रहे हैं, इसमें स्थानीय जनता गाँव का भी सहयोग है, स्थानीय गाँव वालों का भी मतलब उनसे भी सहयोग लेंगे। और इसमें जब ये है कि इसमें हम मतलब कुछ हमारे बाहर भाई बहन है गांव वाले हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेके कुछ हमारी वो है कि यहाँ पे जैसे गणेश भगवान जी ने मतलब हमें दर्शन दे दिए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ मतलब ये है कि वो मंदिर का एक प्रोग्राम है। अच्छा जी। ये हमारी मतलब ये है कि वो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे दब गया। अच्छा, दब गया है, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ चल लेते हैं। और इस जगह को महादेव का रौला भी कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर जो आम का वृक्ष पहले था, तो रोड बनने पर एक आम का पेड़ टूट गया था, उसी वहीं पर ही नाग और नागिन देखे गए थे। ये देखिए, ये बहुत पुराना, 100 साल से भी ज्यादा पुराना आम के पेड़ के ये इसी ये दो पेड़ जो है इसके गवाह है। अच्छा। यहाँ पे झाड़ी बहुत है, लेकिन इसकी जो ये मतलब है कि यहाँ पे ये मंदिर के अवशेष, ये मतलब ये है कि एक न्यू यहाँ पे रखी हुई वो है मंदिर की, लेकिन ये दो पेड़ इसके मतलब ये है कि पूर्ण गवाह इसके है। अच्छा। ये आज की तारीख में भी मतलब ये है कि ये गवाह है, वो मतलब ये है कि वो ये जो पत्थर है ये इसकी न्यू मतलब। जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, झाड़ी में जा सकते हो, तो निकाल के चले जाते हैं, दिखा देते हैं। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर मंदिर का अवशेष है और कहा जाता है बहुत पुराने टाइम्स पर ये यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। आज की डेट में तो ये जस्ट एक लुप्त सा हो गया है और भविष्य में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर बनाने की सोच रहे हैं। जय महादेव। ये देखिए, ये पूरी वॉल है पीछे की।
क्या सच में यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा? और यदि था तो इतने समय तक क्यों उसे अनदेखा किया गया? उत्तराखंड में होने वाला प्लान भी इसका एक रीजन हो सकता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और लेकिन अभी देखिए ये पूरा यहाँ पे झाड़ी झाड़ी हो चुकी है। यहाँ पे आना बहुत ही दुर्लभ है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो आपकी क्या ये ज्वेली? 62 साल मेरी ये। अच्छा, और आपने मतलब यहाँ पे कीर्तन भजन किए हुए हैं? किए नहीं है, हम यहाँ पे मतलब ये है कि आते थे। हाँ। तो तब हम यहाँ पे मतलब एक जब बच्चे थे हम। हाँ जी। तब हम यहाँ पे मतलब बैठे रहते थे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। खाली छत नहीं थी मंदिर की। हाँ हाँ। लेकिन वैसे मतलब बैठने के लिए था, यहाँ पे बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे किम्फू का वृक्ष भी था, किम्फू बोलते हैं जिसको। हाँ जी। तो उसको तोड़ के खा लेते थे हम कि चलो तोड़ के यहाँ पे बैठ के वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब आपके माता पिता ने बताया होगा कि बेटा ये वो जगह है। ने बताया था ना। हाँ, हाँ। कि कोई हमारे नरोत्तम प्रसाद मुंडे भी थे। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब ये है कि यहाँ पे ये आधारशिला उनकी रखी थी। सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी रिंकी देवी, नाम इनका, खेड़गांव से है। अच्छा, कब देखा था आपने? परसों। बताएंगे फिर कब कैसे करके देखा आपने? काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, काम कर रहे थे नहीं यहाँ पे, तब देखा था। फिर आपने किसको बताया? मेरे साथ साथ में आना सब। अच्छा, धोया फिर वहाँ पे रखा। अच्छा, फिर यही रहने दिया उसको? कहाँ पर? बोल दिया इसको ना। हाँ, ये पत्थर को भी देते बोल रहे हैं। पहले जब तो यही मानते थे पत्थर का, इसको मकान रखते ऊपर वास का मतलब होता है कि मैं तेरा वास है, इसलिए इसको कैनवास का नाम दिया गया है। ये घर वास है, कैनवास। थोबुड़ देखी, आंख देखी है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप ही लोगों ने देखा? हाँ, है ना। देखा। अच्छा, सबने हमने देखा। तो आप मंडूगांव से चुना आते हैं? हम मंडूगांव। अच्छा, क्या नाम चाहोगे? क्या नाम चाहोगे? मेरा नाम राजेश्वरी देवी। अच्छा, प्रसाद वितरण होने, प्रसाद वितरण हो रहा है। अच्छा, आज के कार्यक्रम के समापन के उसमें जा रहे हैं। कीर्तन भजन हो गए, कीर्तन भजन सम्पन्न हो गए, पूजा वगैरह सब सम्पन्न हो गई है। और
विसर्जन करते हैं हम इसको, मतलब आज के कार्यक्रम को हमारा तो जिस तरीके से हमें भगवान की प्राप्ति हुई है उसी तरीके से हमें मन की शक्ति भी मिले ताकि हम लोग जो है उनका यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाए।